हिस्ट्री से सवाल किया जाएगा या नहीं, जनरल साइंस का क्या रोल होगा, कितने सवाल किए जाएंगे, क्या जनरल साइंस से ही सारे क्वेश्चंस किए जाएंगे, करंट अफेयर्स का कितना पार्ट आएगा, करंट अफेयर्स से कितने क्वेश्चंस आएंगे, क्या करंट अफेयर्स से ही क्वेश्चंस आएंगे। जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है उनका जनरल साइंस तो बिल्कुल पुअर होगा, उन्हें कैसे मार्क्स मिलेगा और कैसे नौकरी लगेगी। इन सभी सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो इस वीडियो का एंड बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अभी इस क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं, जनरल साइंस के टॉप 250 क्वेश्चन, 250 ऐसे क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम्स में बार बार पूछा जा रहा है, वो सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, पार्ट वाइज दिया जा रहा है। और साथ ही एक अच्छी बात ये भी है कि इसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चंस दिए जाएंगे और साथ में एक्सप्लेनेशन भी दिए जाएंगे, क्वेश्चंस को समझाया भी जाएगा, आपको इसका आंसर करना है। और यकीन मानिए इन 250 क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो आपको कभी भी जनरल साइंस के लिए कोई भी परेशानी नहीं होगी, इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा जनरल साइंस से, यानी कि सामान्य विज्ञान से। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कर ले और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा ले, क्योंकि एग्जैक्ट वे पे जीके जीएस मैथ्स और रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्लासेस डेली चलते हैं, जिसपे आपको हर टॉपिक का एग्जैक्ट वे बताया जाता है, किस तरीके से कम समय में आप मैक्सिमम स्कोर की कर सकते हो, वो सारी बातें। तो आपका पहला प्रश्न है, द टर्म हैवी वाटर रिफर्स टू, आपके ऑप्शन है ए आइस, बी ड्यूटोरियम ऑक्साइड, सी रीडिस्टिल्ड वाटर, या फिर डी वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसे हिंदी में भी समझ ले, भारी पानी शब्द का अर्थ क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ए बर्फ, बी ड्यूटोरियम ऑक्साइड, सी फिर से आसूत पानी, या डी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होने वाला पानी। ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बार आपको हर एग्जाम में इस क्वेश्चन को देखने को मिला है। तो इस क्वेश्चन को आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको अच्छे से रट लीजिए। तो इसका सही आंसर है बी ड्यूटोरियम ऑक्साइड। इससे समझ भी लेते हैं थोड़ा सा। देखिए वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, H2O, ये दो हाइड्रोजन एटम से बनता है और एक ऑक्सीजन एटम से, इसे हम लोग नॉर्मल वाटर कहते हैं। जो हैवी वाटर होता है वो उसका भी स्ट्रक्चर सेम ही होता है, बट जो नॉर्मल वाटर होता है उसके हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में आपको एक प्रोटॉन रहता है, बट जो हैवी वाटर है उसके हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन दोनों रहता है, जिसके कारण ये वाटर हैवी होता है, इसीलिए इसे हैवी वाटर कहते हैं, जिसे ड्यूटोरियम ऑक्साइड भी कहते हैं। इसलिए इस चीज को समझ लीजिए, ड्यूटोरियम ऑक्साइड को ही हैवी वाटर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके हाइड्रोजन एटम में आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाया जाता है, बट नॉर्मल वाटर के हाइड्रोजन एटम में सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोटॉन पाया जाता है न्यूक्लियस में। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिकोमा एक बीमारी है, ट्रिकोमा इज अ डिजीज ऑफ दी, आपके ऑप्शंस हैं ए लिवर, बी आईज, सी लंग्स, या फिर डी किडनी। आपके ऑप्शंस हिंदी में लिवर, बी आंखें, सी फेफड़े, या फिर डी गुर्दे। ट्रिकोमा किस चीज की बीमारी होती है? आप अगर सही आंसर कर रहे हैं तो नीचे कमेंट में जरूर लिख दीजिए, नंबर डालिए और अपना आंसर भी जरूर लिखिए। इससे आप सेशंस को इंटरेक्टिव बनाओगे, आपके आंसर सबको दिखेंगे, आप सही कर रहे हो और कितना सही कर रहे हैं। तो अपने आंसर्स को नीचे कमेंट में जरूर सबको दिखाइए और साथ ही आप कितना सही आंसर करोगे इस वीडियो के अंत तक, वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में सबके साथ शेयर कीजिए। तो इसका सही आंसर है बी आईज। ये एक बीमारी है जो कि होता है बैक्टीरियम क्लाइमेडिया ट्रैकोमेटिक्स बैक्टीरिया के कारण, और इसमें क्या होता है, इसमें आंखों के इस हिस्से पे ये रफ हो जाता है आपका, ये पार्ट आपका रफ हो जाता है, जिसके कारण आंखें नोचने लगती है, इचिंग होने लगता है आंखों में, और ये धीरे धीरे ब्लाइंडनेस के तरफ इंसान को ले जाता है। तो ये एक बहुत ही खतरनाक टाइप की बीमारी है जो कि काफी नुकसान पहुंचाता है, और अगर आपको इस बीमारी के बारे में नहीं पता होगा तो ये आंखों को भी नुकसान पहुंचाएगा और साथ में एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो मार्क्स को भी नुकसान पहुंचाएगा। तो इसे जल्दी से रट लीजिए और समझ लीजिए। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मास डेंसिटी ऑफ केरोसिन इज, केरोसिन का द्रव्यमान घनत्व किससे अधिक है या किसके बराबर है, ये आपको ऑप्शन से देख करके बताना है। तो आपके ऑप्शन है ए पानी से अधिक मतलब मोर देन वाटर, बी पानी के बराबर यानी कि इक्वल टू वाटर, सी पानी से कम यानी कि लेस देन वाटर, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। आपका क्वेश्चन है किरोसिन का द्रव्यमान घनत्व क्या है, द मास डेंसिटी ऑफ किरोसिन इज व्हाट। तो आंसर जरूर देने की कोशिश कीजिए, इसका सही आंसर अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, वैसे इसका सही आंसर है सी लेस देन वाटर यानी कि पानी से कम। किरोसिन का जो डेंसिटी है घनत्व है वो पानी के तुलना में कम होता है। किरोसिन का डेंसिटी कितना होता है, तो 820 kg/m³ होता है किरोसिन का डेंसिटी यानी कि घनत्व, और पानी का कितना होता है, तो पानी का होता है 1000
केजी पर मीटर क्यूब जो होता है आपका पानी का घनत्व होता है, डेंसिटी होता है। यानी कि अगर आप 1000 लीटर किरोसिन लेते हो तो इसका वेट अगर आप नापोगे तो वेट इसका हो जाएगा 820 केजी ही आएगा। लेकिन पानी यानी कि वाटर का अगर आप 1000 लीटर लेते हो तो उसका अगर आप वेट करते हो तो वो 1000 केजी ही आपको दिखेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन किरोसिन में आपको 820 केजी ही दिखेगा 1000 लीटर का। तो इसलिए आप समझ जाइए कि किरोसिन की डेंसिटी द्रव्यमान वाटर से कम होता है। देखिए समझ समझ के पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से सारी चीजें याद हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, जरूर करें, बहुत अच्छा लगेगा मुझे अगर आप लाइक करते हैं तो लाइक जरूर करें। चौथे क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू व्हाट, 1 हॉर्स पावर कितने बराबर होता है। ये क्वेश्चन आपको जो मैं जीएस पे पहले वीडियोस दे चुका हूं उसमें है। जिन लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ाई करी होगी, उन वीडियोस को बार बार देखा होगा, उन्हें उन्हें ये आंसर करने में कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आपका ऑप्शंस है ए, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 523 वाट, या फिर बी 746 वाट, सी 816 वाट, या फिर डी 719 वाट यानी कि 719 वाट। तो आपका आंसर है बी 746 वाट। ये 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ, ऑप्टिक्स का अध्ययन हम किस में करते हैं। आपके ऑप्शंस है ए नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की प्रकृति और गुण के बारे में पढ़ते हैं ऑप्टिक्स में। आपका बी ऑप्शन है ओल्ड एज इट्स फेनोमिनन डिजीज एक्सेट्रा यानी कि वृद्धावस्था इसकी घटना बीमारी आदि के अध्ययन करते हैं हम लोग ऑप्टिक्स में। सी ऑप्शन है आपका डिजीज ऑफ नर्वस सिस्टम यानी कि तांत्रिक का तंत्र का रोग। डी है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस यानी कि प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो आपको इसका सही आंसर तो जरूर पता होगा, इसका सही आंसर है सीधे ए ऑप्शन आपका सही है, प्रकाश की प्रकृति और गुण के बारे में पढ़ते हैं यानी नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। इस पूरे सेट में हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन लेंगे यानी कि पूरे क्वेश्चन लेंगे, फिजिक्स के भी होंगे, केमिस्ट्री के भी होंगे, बायो के भी होंगे, सारे क्वेश्चंस को मिक्स करके जो भी बार बार पूछा जा रहा है, आपको हर बार पूछा जा रहा है, वो सारे क्वेश्चंस के टॉप 250 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, 250 क्वेश्चन छांट करके लाया गया है जो कि आपको बार बार पूछा जा रहा है। तो इस सारे क्वेश्चंस को लाइटली ना ले, बहुत ही गंभीरता से ले, इसे याद कर ले अगर आपको अच्छा स्कोर करना है और कम से कम समय में। देखिए जीएस जी के ये ऐसे पोर्शन होते हैं जिनका आंसर आपको या तो पता होता है या तो नहीं पता होता है। तो अगर आपको पता होता है तो 1 सेकंड में निकल जाओगे, 1 नंबर मिल जाएगा, नहीं पता हुआ तो कोई फायदा ही नहीं, समय बर्बाद करने से आगे बढ़ जाइए। तो चलिए छठे क्वेश्चन को देखते हैं। द पिच ऑफ द साउंड इज मेजर्ड बाई इट्स, ध्वनि का पिच किसके द्वारा मापा जाता है। तो आपके ऑप्शंस है ए इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता, बी वेव फॉर्म यानी कि तरंग, सी फ्रिक्वेंसी यानी कि आवृत्ति, डी लाउडनेस यानी कि तीव्रता। ध्वनि के पिच इनमें से किनके द्वारा मापा जाता है, इंटेंसिटी, वेव फॉर्म, फ्रिक्वेंसी, लाउडनेस, किसके द्वारा। तो इसका सही आंसर है सी फ्रिक्वेंसी। देखिए पिच जो होता है वो फ्रिक्वेंसी को डिफाइन कर रहा होता है। देखिए फ्रिक्वेंसी मतलब होता है 1 सेकंड में कितने बार वेव किया जा रहा है, कितनी बार तरंग लिया जा रहा है, उसे ही हम लोग फ्रिक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। हाई पिच मतलब होता है हाई फ्रिक्वेंसी यानी कि 1 सेकंड में ज्यादा बार वेव लिया जा रहा है। और वेवलेंथ किसे कहते हैं, दो वेव के बीच में जो दूरी होता है उसे ही वेवलेंथ कहते हैं। तो ये आपका हाई फ्रिक्वेंसी हाई पिच का ये आपका वेवलेंथ है दिखाई दे रहा है, और आपको ये आपको लो पिच और लो फ्रिक्वेंसी वाले का आपको फ्रिक्वेंसी ग्राफ है। तो चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। जैव ईंधन के उत्पादन के लिए इनमें से कौन से पौधे का प्रयोग किया जाता है। प्लांट यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल आर, आपके ऑप्शन है ए पेंगामिया ग्लैबरा, बी है आपका जेट्रोपा कर्कस, एकाकिया मेलानोक्सिलॉन, डी है आजादी राचा इंडिका। इस क्वेश्चन को तो याद ही कर लीजिए क्योंकि इस क्वेश्चन का नाम बड़ा अटपटा है। तो इसका जेट्रोपा कर्कस आपका सही आंसर है। ये एक जहरीली झाड़ी है, बहुत सारे सेक्टर के लोग जो है इस पे रिसर्च कर रहे हैं और ये ईंधन में यूज हो रहा है, जैव ईंधन में, बायोफ्यूल में यूज होता है। तो चलिए आपका आठवां प्रश्न देखते हैं। शरीर में बीमारी के खिलाफ प्रतिरोध के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज इन द बॉडी। तो आपके ऑप्शंस हैं ए कार्बोहाइड्रेट, बी रेड कॉर्पिकल्स, सी विटामिन्स, डी व्हाइट कॉर्पिकल्स। शरीर में बीमारी के खिलाफ प्रतिरोध के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज इन द
बॉडी। तो इसका सही आंसर है डी, व्हाइट कॉर्पिकल्स। व्हाइट कॉर्पिकल्स को ही कहा जाता है व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल शरीर में बीमारी के खिलाफ प्रतिरोध के रूप में काम करता है। अपने आंसर्स नीचे कमेंट जरूर करते रहिए, नीचे जितना आंसर आपने सही करा है वो जरूर कमेंट करते रहिए, ताकि सबको पता चले कि आपने कितना सही किया है और सेशन और इंटरेक्टिव हो। आप जितना इन्वॉल्व होगे उतना ही मजा आएगा आपको भी और मुझे भी। तो अच्छे से सेशन को एंजॉय कीजिए। तो चलिए नौवां क्वेश्चन देखते हैं आपके स्क्रीन पे, ये रहा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्मली वार्म्स अप फास्टर व्हेन हीट इज अप्लाइड। जब हीट अप्लाई किया जाता है, जब गर्मी दिया जाता है, तो इनमें से आपको दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जल्दी नॉर्मली गर्म हो जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए वाटर यानी कि पानी, बी ग्लास यानी कि बी ग्लास ही है, सी आयरन मतलब आयरन, डी वुड मतलब लकड़ी। तो इसका सही आंसर है सी आयरन यानी कि लोहा। तो आयरन जो है आपका यानी कि लोहा सबसे पहले गर्म हो जाएगा जब भी इन पे हीट अप्लाई किया जाएगा, तो ये आपका सही आंसर है। तो चलिए अब 10th क्वेश्चन देखते हैं, द पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट एट। मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति वस्तुओं को यहाँ साफ तरीके से नहीं देख सकता है। किन वस्तुओं को साफ तरीके से नहीं देख सकता है, आपको ऑप्शंस में से सही आंसर करना है। देखिए ये क्वेश्चन अगर आप जीएस के मेरे पहले वीडियोस देखे होंगे, शुरू के चार वीडियोस से ही आपको ये क्वेश्चन निकल के आ रहा है, और अभी तक आप इस सेट में देख लिए हो कि उन चार वीडियो से आपको दो से तीन क्वेश्चन आपको सीधे तौर पे निकलते आ रहा है। 10 क्वेश्चन में से तीन क्वेश्चन आपको उन वीडियो से ही दिख रहा है। इससे समझ लीजिए कि हर वीडियो जो आपको एग्जैक्ट वे पे अपलोड किया जाता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे सीरियसली लीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। रीजनिंग, जीके, जीएस, मैथ्स के सारे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो आपके ऑप्शंस हैं ए नियर डिस्टेंस, बी लॉन्गर डिस्टेंस, सी एनी डिस्टेंस या डी क्लोज डिस्टेंस। हिंदी में आपके ऑप्शंस हैं ए नजदीक की चीजें नहीं दिखती है मायोपिया में, बी दूर की चीजें नहीं दिखती है मायोपिया में, सी किसी भी चीज को नहीं देख सकते हैं लोग मायोपिया अगर हो जाए तो, या फिर डी आंखों के एकदम करीब जो चीज होगा, बिल्कुल करीब एकदम आंखों से नजदीक वही सारी चीजों को नहीं देख सकते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा इसे जरूर बताइए। जो लोग उन वीडियोज को, जीएस के पहले वीडियोज को अच्छे से देखे होंगे उन्हें इसका आंसर जरूर पता होगा। तो इसका सही आंसर है बी लॉन्गर डिस्टेंस यानी कि दूर की चीजें मायोपिया में नहीं दिखती है। देखिए मायोपिया को ही कहा जाता है नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस मतलब क्या होता है, निकट दृष्टि दोष। अब देखिए निकट दृष्टि दोष मतलब आपको लग रहा होगा नाम से कि निकट की चीजों को नहीं देख सकता है, लेकिन इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। निकट दृष्टि दोष यानी कि नियर साइटेडनेस मतलब होता है नजदीक की चीजें आप देख सकते हो लेकिन दूर की चीजें नहीं देख सकते हो, इसे ही नियर साइटेडनेस कहा जाता है, जिसे मायोपिया भी कहा जाता है। तो जनरल साइंस पे ये 10 क्वेश्चन आपका टॉप 250 का पार्ट 1 था, इसे अच्छे से याद कर लीजिए। किस चीज से क्वेश्चन किया जाएगा, जनरल साइंस से ज्यादा क्वेश्चंस किए जाएंगे या हिस्ट्री से किया जाएगा, करंट अफेयर से क्या कुछ होगा, वो सारी बातें। देखिए हिस्ट्री से क्वेश्चंस नहीं के बराबर पूछा जाता है, या पूछा जाता है तो बाकी सारे क्वेश्चंस के मुकाबले बहुत कम पोर्शन पूछा जाता है, और ये चीजें सिलेबस में भी आपको दर्शाया गया है। आप जिन भी चीज के सिलेबस को निकाल के देखिए, हिस्ट्री से क्वेश्चंस अब बहुत कम पूछा जाता है और ये बातें सिलेबस में दी गई हैं। जनरल साइंस ने अब सब चीज का रोल ले लिया है। जनरल साइंस से क्वेश्चंस आपको सबसे अधिक पूछे जाएंगे और उसके साथ ही करंट अफेयर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल साइंस पे यानी कि सामान्य विज्ञान पे अगर आप मेरे पहले वीडियो देखे होंगे तो आपको मैं बता चुका हूं वो सारी बातें, और जनरल साइंस यानी कि जीके जीएस को आप कैसे अपना अच्छा कर सकते हो उस पर भी एक वीडियो बना चुका हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे आप अच्छे से देख लीजिए, तभी आप चीजों को अच्छे से समझोगे और आपके सारे डाउट के आंसर वहां पे आपको मिल जाएंगे। वो सेशन आपको देखना बहुत जरूरी है, जरूर जाकर के देख लीजिए। और आपको जनरल साइंस को लेकर के बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जनरल साइंस से जितने भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन सारी का मैं यहाँ पे ये टॉप 250 में कवर कर दूंगा। आपको हर दिन सेशन में प्रेजेंट रहना। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं नीचे अपना प्रेजेंस जरूर दे, किसी भी तरीके से कैसा आपको ये सेशन लगा, किस तरीके की और चीजें आप देखना चाहते हैं वो जरूर लिखे, कितना स्कोर किया है आपने वो भी जरूर लिखे, 10 में आपको कितना आया है वो जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा स्कोर नहीं आया है तो चिंता करने की बात नहीं है, इस वीडियो को देखिए, अच्छे से याद कर लीजिए, फिर से इस वीडियो को देखिएगा और उसके बाद आपका कितना मार्क्स फिर से सुधरा है वो कमेंट कीजिएगा। मुझे ये देखकर बहुत खुशी होगा अगर सेम स्टूडेंट अपने स्कोर को पहले दिखाए कि उन्हें कुछ कम मार्क्स आया और फिर इम्प्रूव करके उन्हें कितना आया है, दोबारा वीडियो को देखने पे, दोबारा वीडियो को रिवाइज करने पे उनका मार्क्स इंक्रीज किया है या नहीं किया है, वो सारी चीजें जरूर लिखिएगा। इससे मुझे बहुत खुशी होगी और पता चलेगा कि इतने स्टूडेंट्स सीरियस हैं अपने कैरियर को लेकर के
और उनके लिए मुझे वीडियो बनाने में बहुत मजा आएगा और आपको भी मजा आएगा इस तरीके के सारे सेशंस के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबा ले, साथ में लाइक जरूर करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और इससे आपके लिए और काम करने की इच्छा बढ़ती है। तो जरूर लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने फैमिली मेंबर्स तक, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। तो एग्जैक्टिव के साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।